आप सभी को राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ में। देखिए आज जो हम बात करेंगे खासकर मटर व पोषक तत्व के बारे में जानेंगे कि मटर में कौन कौन से पोषक तत्व जो है हमें देने चाहिए और किस प्रकार देने चाहिए और किस तरह तैयार करेंगे। देखिए आज जो है हम अपने मटर के अंदर न्यूट्रेंट यानी पोषक तत्व के स्प्रे कराया जा रहा है। देखिए यह हमारा मटर गन्ना काटकर लगाया गया था जो कि काफ़ी पछेता है और अभी इसके अंदर किसी भी प्रकार की कबाड़ की स्प्रे नहीं की गई और न ही ये नलाई कराया गया। इसके अंदर कबाड़ की स्प्रे भी कराएंगे वो आपको दूसरी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कौन सी स्प्रे कराएंगे। देखिए हम जो है इसके अंदर आज जो एक न्यूट्रेंट पैक आता है कॉम्बिकैल के नाम से ये आता है और आप देख रहे होंगे ऊपर भी ये भाइयों रजिस्टर्ड कंपनी है बिल्कुल और इसके अंदर सारे ही न्यूट्रेंट रहते हैं ज़्यादातर। भाइयों देखिए आप ये सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं ये वाटर सोल्युबल है यानी वाटर में घुलनशील है, पानी के अंदर घुलनशील है, ये बहुत ही जल्दी से ये घुल जाता है। दूसरी बात इसके अंदर ये जो न्यूट्रेंट हैं ये सारे चिलेटेड फॉर्म में हैं और देखिए आप देख रहे होंगे पैक के ऊपर फेरस भी है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बोरोन है और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। देखिए ये इस तरीके का निकलता है ग्रीन कलर में यानी हरे रंग में दानेदार। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी यह है कि ये वाटर सोल्युबल भी होता है यानी घुलनशील होता है, ज़्यादा देर नहीं लगाता ये पानी के अंदर घुलने में, ठीक ठाक ही अवस्था के अंदर ये घुल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डोज। भाइयों जो इसकी डोज हम इस्तेमाल करेंगे या मैं आपको रिकमेंडेशन करूं कि आप कितना इस्तेमाल करें, हालांकि अब वो आपके क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार बीघा छोटा बड़ा होता है कई जगह पर। तो मैं अप्रोक्स आपको बता दूँ हमारे यहाँ 5 बिस्से से बीघा है या कहीं पर 7 बिस्से से भी बीघा है हमारे आसपास या कहीं और हो। तो भाइयों जिनके यहाँ 5 बिस्से से बीघा है वो 1 से 1.5 केजी के बीच में ही लगाएं इसे और जिनके यहाँ 7 बिस्से का है वो 1.5 से 2 केजी के बीच में लगाएं। देखिए ये रिजेंट है और रिजेंट भी हम इसके अंदर लगाएंगे। रिजेंट की डोज मैं आपको बता दूँ जो हम डोज लगाएंगे इसके अंदर 100 ml डोज लगाएंगे पर एकड़, क्योंकि भाइयों बहुत ही कोमल पत्ते हैं, कोमल बहुत पौधा है, बहुत शुरू की अवस्था है तो बहुत ही हल्की दवाई इसके अंदर काम करेगी। और रिजेंट जो है एक इंसेक्टिसाइड भी माना जाता है तो इंसेक्ट को मारने का भी काम करेगा और इंसेक्ट नहीं लगेंगे और ये फंगस का भी थोड़ा रोकने का काम करेगा जहाँ पे ये लगेगा और एक न्यूट्रेंट के रूप में भी ये काम करता है। देखिए आप इसे तैयार करने से पहले मिलाने से पहले सीसी को काफ़ी अच्छी तरीके से हिला लें क्योंकि जो इसके अंदर दवाई बैठी हुई होगी या जो इसके अंदर दवाई में तत्व होंगे वो बैठे हुए होंगे नीचे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे और ताकि हमें बिल्कुल सीमित मात्रा में यानी सारी जो है ऐसा नहीं होगा कि ऊपर कुछ और दवाई है और नीचे कुछ और दवाई है नीचे बैठ जाती है, तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से मिलकर अच्छे से काम करेगी। देखिए हमने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया है, अब पानी के अंदर इसे मिला लेंगे। पानी के अंदर हम इसे अलग इसलिए मिला रहे हैं वो चिलेटेड फॉर्म में हैं सारे न्यूट्रेंट, यदि हम उसके ऊपर या एकदम सीधे डायरेक्टली मिलाएंगे दवा को यानी इस रिजेंट को तो वो पट भी सकता है और अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, ये बहुत ही काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। तो भाइयों देखिए आप देख रहे होंगे हम एक बार तो राइट तरफ घूम रहे हैं
और दूसरी तरफ लेफ्ट घुमा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमा रहे हैं। तो इसका रीज़न भी बहुत बड़ा है और आप सभी जानते होंगे हालांकि, मगर मैं फिर भी बता रहा हूँ भाइयों। वीडियो में कोई भी बात आपको गलत लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर अवश्य बता दें, और एक दूसरे से जानने से ही आदमी को बहुत कुछ मिलता है सीखने को, कि जब कुछ हम आपको बताएंगे और आप हमें कुछ बताएंगे तो एक नई जानकारी निकल के आती है। ऐसा हो सकता है कई बार कि मुझे नहीं पता और आपको पता है, संपूर्ण किसी को नहीं पता होता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि संपूर्ण जानकारी या किसी विषय के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में कि किसी को भी संपूर्ण जानकारी हो। भाइयों संपूर्ण किसी को नहीं कह सकते हम, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती हो तो आप अवश्य मुझे बता दिया करें। देखिए मैंने बताया पहले तो ये भी कि किस तरह तैयार किया है हमने। देखिए हमने छान के जो है इसके अंदर डाल लिया था ये, और एक बार क्लॉकवाइज घुमाया है ये भी घोल भी, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और प्रत्येक बीघा जो है हम इसके अंदर 3 टंकी लगाएंगे। आप जो है 2 से 3 के बीच में एवरेज निकाल लेना, 2 टंकी तो भाइयों प्रति बीघा कम से कम करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम इसे डायरेक्टली भी टंकी में डायरेक्टली छन्नी में घेर के घोल सकते हैं, वो आपको डोज निकालनी पड़ेगी कि आप 1 केजी ले रहे हैं और तो 1 केजी में कितनी चम्मच आपको बनानी है और कितनी टंकी लगानी है, उसी के अनुसार आप डिवाइड कर लें। देखिए अब हम इसे टंकी के अंदर डालेंगे तो किस प्रकार जो है हम इस टंकी के अंदर डालेंगे। देखिए पहले हम इसे क्लॉकवाइज घुमाए हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज, और अब जो है हम एक डिब्बा भर के जो हमने अपना मेजरमेंट कर रखा है और इसके टंकी के अंदर छान के तब घेरेंगे, ताकि नोजिल के अंदर कोई भी चीज़ ना पहुँचे, यानी कोई बेकार चीज़ या कचरा होगा तो नोजिल पे जाके अड़ जाएगा फुहारे पे, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए आप जाली के साथ में कपड़ा भी अवश्य लगा लें। और भाइयों एक बात और बता दूं, हमेशा स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, जो पानी भरा हुआ होता है साफ पानी नहीं होता, उसका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें, उसमें दवाई का आधा रिजल्ट रह जाता है। फिर हम दुकानदार को जाके बोलते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं आया, वो भी रिजल्ट न आने का बिल्कुल एक मुख्य बहुत बड़ा कारण होता है कि पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है, उसका उपयोग ना करें। स्प्रे करने के लिए आप बिल्कुल साफ पानी का प्रयोग करें तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए आप मटर के ऊपर हम जो है स्प्रे करा रहे हैं इस तरह। और भाइयों इस वीडियो के अंदर जो भी कुछ मैंने गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, और इसे जो है आप न्यूट्रेंट को भी और ये दवाई जो होती है इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। भाइयों वीडियो देखने के बाद में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और साइड में एक बेल आइकन घंटा सा होता है उसे अवश्य दबा